बच्चों, कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरे, है ना। छोटा सा टॉपिक था बट कॉन्सेप्चुअल था, और उस पे सवाल नहीं किए थे। सवाल तुम लोग खुद से करना, मोस्टली हो जाएंगे। कुछ सवाल मैं ले लेता हूं। लेट्स इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा ग्राफ ऐसा है। ये हो गया लैम्डा नॉट कट ऑफ वेवलेंथ, इसमें एक लैम्डा के अल्फा एक लैम्डा के बीटा है, ये क्या लिखूं, लैम्डा के अल्फा या बीटा। तनिष्क तिवारी, स्वयं प्रकाश, फिर अल्फा। स्वयं प्रकाश अल्फा लिखूं, लैम्डा के अल्फा। हाँ सर। यस सर। पक्का? ये बच्चों केसेल था, ये KLM वैकेंसी के में यहां से यहां आता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा के अल्फा वाला निकलता है, यहां से यहां आता है तो लैम्डा के बीटा। किसका एनर्जी ज्यादा है स्वयं प्रकाश, किस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा भी एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो ये वाला किसका होगा, ये वाला के बीटा ना, ये होगा लैम्डा के अल्फा। और भी कुछ बताया था इसमें, यस सर। इसमें और ये भी बताया था कि मैंने जो इंटेंसिटी दिखाया है ये कम दिखाया, ये ज्यादा दिखाया है। इंटेंशनली ये दिखाया था, रीजन इज कि अगर वैकेंसी यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू हायर सेल से, है ना। अब चलो मैं एक सवाल लेता हूं। इफ स्टेटमेंट बताना, इफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड देन लैम्डा के अल्फा क्या होगा, विल रिमेन कॉन्स्टेंट और इट विल ऑल्सो इंक्रीज। पहला स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है, इफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज रेस्ट ऑफ द थिंग केप्ट कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स मेटल इज केप्ट कॉन्स्टेंट, मेटल चेंज नहीं किया है, तो क्या रिलेशन बताऊं, किससे मैं पूछ लूं। स्वाति जोगलेकर, क्या होगा इसका आंसर, चलो बताना इसमें कौन कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। इफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड देन लैम्डा के अल्फा माइनस लैम्डा नॉट विल इंक्रीज।
तीसरा ऑप्शन इफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट बट मेटल इज रिप्लेस्ड बाय अदर ऑफ हायर जेड देन लैम्डा नॉट लैम्डा के अल्फा माइनस लैम्डा नॉट विल डिक्रीज. चौथा स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट आ रहा समझ में? If accelerating potential is decreased, then lambda naught will increase. ये चार स्टेटमेंट दिया बच्चों. बोर्ड छोटा है तो शायद मिक्स ना हो जाए. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फोर्थ ऑप्शन लिखे हैं, इफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल. शॉर्ट में लिखा हूं, इफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड लैम्डा नॉट विल इंक्रीज. तो बहुत सारे मैसेजेस तो नहीं आए अभी तक. 10-12 बच्चों ने रिप्लाई किया अभी तक. ऋतुजीत ने कहा ऑल आर ट्रू. शीतोष ने कहा 1/4 ट्रू. अनन्य प्रकाश बोला सिर्फ 4 ट्रू. हर्षल ने कहा 1 फॉल्स, 2 ट्रू, 3 ट्रू, 4 फॉल्स. शुभम ने कहा ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया. बच्चों यहाँ पे मुझे लगा ऑल करेक्ट है. मैं जो लिख रहा था तो ऑल करेक्ट सोच के लिखा है. देखता हूँ कि ऑल करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, अगर एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज किया है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एनर्जी से आया है, तो कट ऑफ वेवलेंथ इधर शिफ्ट होगा, लैम्डा नॉट डिक्रीज करेगा, छोटा होगा, स्मॉलर वेवलेंथ का आएगा. तो लैम्डा के अल्फा विल रिमेन कांस्टेंट. यस, लैम्डा के अल्फा विल रिमेन कांस्टेंट. रीजन इज बाकी सब मैंने कहा सेम रखा है. जेड सेम है. लैम्डा के अल्फा डिपेंड्स अपॉन जेड. तो दिस इज ट्रू. दूसरा, एक्सेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज किया है तो ये कांस्टेंट है बच्चों और ये इधर आ रहा है. तो लैम्डा के अल्फा माइनस दिस क्या होगा? ये विड्थ बढ़ेगा. सो इट विल इंक्रीज. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड, if accelerating potential is kept constant but metal is replaced by other of higher z, तो बच्चों अगर z बढ़ाते हैं तो एनर्जी क्या होता था? बढ़ता था. तो वेवलेंथ क्या होगा? जेड में एनर्जी बढ़ता है तो वेवलेंथ कम होगा. तो लैम्डा के अल्फा किधर शिफ्ट होगा? इस तरफ. तो लैम्डा के अल्फा माइनस लैम्डा नॉट, ये लैम्डा के अल्फा इधर शिफ्ट होगा. बट लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये घटेगा. तो मेरे हिसाब से थर्ड भी करेक्ट है. ऋतुजीत सही बोल रहा हूं?
और मोस्टलेज लॉ से भी रूट न्यू किसके प्रोपोर्शनल था, ए इंटू जेड माइनस बी. इफ यू इंक्रीज द जेड फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, वेवलेंथ विल डिक्रीज. लैम्डा के अल्फा विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन इफ जेड इज इंक्रीज. थ्री इज करेक्ट. एंड फोर्थ तो सबसे आसान है, एक्सलेटिंग पोटेंशियल डिक्रीज किया है तो कट ऑफ वेवलेंथ इधर शिफ्ट होगा, लैम्डा नॉट विल इंक्रीज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. HCV जितने बच्चों के पास है वो निकालें, घर पे बैठे हैं. और सर्टेनली HCV का पार्ट टू में मॉडर्न फिजिक्स एक्सरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन निकालें. और जो जो मैं कह रहा हूं उसको सॉल्व करें. ठीक है, अनन्य प्रकाश ने कहा एच सी वर्मा नहीं है. सो एच सी वर्मा का 10th सवाल देखो, ऑब्जेक्टिव वन का. चलो, ये ग्राफ दिया हुआ है इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का. दिस इज द टू ग्राफ एच सी वर्मा में है. ए का एक्सलेटिंग पोटेंशियल है वी ए, बी का है वी बी. कोई पीछे आंसर की मत देखना, इसका है जेड ए एटॉमिक नंबर, इसका है जेड बी, ब्लू कलर का बी और व्हाइट कलर का ए. आंचल पाटिल, आंचल बताना इससे हम क्या कह सकते हैं, वी ए और वी बी में कोई रिलेशन बता सकते हैं क्या? आंचल पाटिल, नहीं. श्रीतोष ने बता दिया. देव देवता क्या होगा वी और वी बी में, माइक ऑन करके बोल सकती हो? धनंजय ने वी ए ग्रेटर देन वी बी. बहुत बढ़िया, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, बहुत ही बढ़िया. देखो ए का कट ऑफ वेवलेंथ छोटा है, मतलब ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक किया था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था. व्हाट अबाउट जेड ए एंड जेड बी? जेड देखना है तो किसको देखेंगे, के अल्फा का वेवलेंथ देखेंगे. जिसका के अल्फा का वेवलेंथ छोटा होगा वो हायर एटॉमिक नंबर होगा. अथर्व गावली सही बोल रहा हूं? तो क्या लिखो यहां पे अथर्व? अपूर्व बागुल ने बता दिया, तनिष्क तिवारी ने भी बता दिया, और सबने शायद ये बता रहा. गुड.
एचसी वर्मा में ही सेवंथ सवाल एक बार पढ़ो. सेवंथ सेवन सवाल में देखना है बच्चों की किसके बीच में ग्राफ पूछ रहा है. ग्राफ जो पूछ रहा है वो न्यू वर्सेस जेड पूछ रहा है. और मोस्टलेज लॉ में हमने जो करवाया था ग्राफ स्ट्रेट लाइन करवाया था वो करवाया था रूट न्यू वर्सेस जेड. तो अच्छे वर्मा बड़ा अच्छे से बच्चे को मिस्टेक करवाते हैं क्योंकि उनको लगता है ये मोस्टलेज लॉ का तो ये है जेड और ये स्ट्रेट लाइन होगा. मुझे लगता है इसमें विच ग्राफ विल बी द करेक्ट ग्राफ, स्ट्रेट लाइन वाला तो नहीं होगा बिकॉज न्यू वर्सेस ये है. न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर. Y is equal to something x squared is a term minus something वाला quadratic graph है तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ग्राफ करेक्ट ग्राफ है. And now 11, 12, 13, 14 जिसने भी नहीं सॉल्व किया है अभी पढ़ें और 4 से 5 मिनट का टाइम है चारों सवाल करें. तो बच्चों तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा. 11 सवाल देखते हैं. अब जो तुमने देखा और देखो कि पीछे आंसर देखो क्या नहीं मैच कर रहा है, क्या जो तुमने किया वो सही है या नहीं है. फर्स्ट सवाल में कह रहा है 50% of the X-ray coming from Colles tube is able to pass through pass through 0.1 millimeter thick aluminium foil. If the potential difference between the target and the filament is increased, the fraction of X-ray passing through the same foil will be. तो बच्चों 50% increase हो रहा था, pass हो रहा था. Suppose इतना से ज्यादा energy का जो है वो pass हो रहा था, इससे कम energy इधर वाले जो pass नहीं हो रहे थे. Filament का और उसके बीच का potential difference बढ़ा दिया, cut off wavelength इधर shift हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा graph इधर shift हो जाएगा, ज्यादा energetic X-ray निकलेगा. So now we can say more than 50% will be capable to cross this, isn't it? तो 11th का D होना चाहिए. आंसर मैच करना. 12th में कहा 50% X-ray coming from Colles tube is able to pass through this. The potential difference between the target and the filament is increased. Thickness of the aluminium foil, which will allow 50% of the X-ray to pass. तो अब इससे थोड़ा thick भी रहेगा तो भी 50% pass कर जाएगा because ज्यादा energy हो गया है. तो इसका भी D होना चाहिए. अगर किसी में दिक्कत हो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे ऑब्वियस लग रहा है बट बच्चे गलती करते हैं, मैं बता रहा हूं. 13
X-ray from Coolidge tube is incident on a thin aluminium foil. The intensity of the X-ray transmitted by the foil is found to be I naught. हीटिंग करंट इज इंक्रीज्ड. हीटिंग करंट इंक्रीज कर दिया बच्चों तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सारे का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है. कट ऑफ वेवलेंथ सेम रहेगा, तो पहले जितना क्रॉस कर रहा था एक्सरे अब उससे ज्यादा क्रॉस करेगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 13 का भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, isn't it? अभी भी सपोज 50% ही क्रॉस करेगा लेकिन ज्यादा हो जाएगा, क्रॉसिंग 50% ही रहेगा बट इंटेंसिटी विल इंक्रीज. काइंड ऑफ थिंग जिसे अगर मैंने कहा 50% शुरुआत में क्रॉस कर रहा है तो बाद में भी 50% क्रॉस करेगा. और डिफ्रैक्शन डिस्क वाला तो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था. डिफ्रैक्शन डिस्क में डिस्क छोटा होता है, अगर लैम्डा छोटा होता है तो वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है. फोर्टींथ एक्सरे से ज्यादा डिफ्रैक्शन डिस्क वाला कॉन्सेप्ट है. तो इसका क्या किसी को डाउट आ रहा है ऋतुजीत? 14th में आसान था ये. बच्चों एक इन कूलिज ट्यूब एक्सरे, कूलिज ट्यूब इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, बोलते हैं डी ब्रॉय एक्चुअली, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट. फाइंड कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट. Electrons of de Broglie wavelength lambda is incident on metal plate in Coolidge tube then cut off wavelength क्या होगा, ये IIT का पूछा हुआ सवाल है. बच्चों हमें पता क्या था कि कट ऑफ वेवलेंथ कितना होता है, एच सी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन. यही था ना कट ऑफ वेवलेंथ, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली दिया है? नहीं. डी ब्रॉगली में बच्चों ये बी कैपिटल होता है ना, मैंने स्मॉल लिख दिया.
फ्रांस में ऐसे ही लिखते हैं फ्रेंच, डी स्मॉल बी कैपिटल डिब्रॉड। दिया क्या है बच्चों, लैम्डा दे दिया डिब्रॉय वेवलेंथ, दैट मींस मोमेंटम दे दिया है। मोमेंटम दिया है मुझे, तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, पता है तुम्हें पी दिया हुआ बच्चों, तो एच स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया इंटू टू एम, ये हो गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे पुट कर देंगे, सो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन एच स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू टू एम, सही लिख रहा हूं कि नहीं, टू एम नीचे है, सॉरी टू एम ऊपर चला जाएगा, टू एम सी एच चला जाएगा, टू एम सी लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई एच। देखो तो बच्चों ये सही लिखा क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये भी आईआईटी जेई का पूछा हुआ सवाल है। बच्चों हम लोग नया टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट करीब 7-8 साल से इस पे ज्यादा फोकस है, बोर्स मॉडल एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आईआईटी ने पहले बहुत सवाल पूछ लिया है, अब जो उसका थोड़ा सा शिफ्ट है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है ना, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। न्यूक्लियर फिजिक्स बच्चों मैं इसको मेंटली दो पार्ट में बांट देता हूं, बहुत सारे टीचर्स तो बहुत जगह पे न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब सिर्फ अल्फा डीके बीटा डीके थोड़ा सा समझाया और रेडियो एक्टिविटी बताते हैं, रेडियो एक्टिविटी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी उसको करके हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स, बट बच्चों इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर का, स्टेबिलिटी, उसको कौन फोर्स है जो स्टेबल बना रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है ना, फीजन फ्यूजन रिएक्टर्स, तो एक ये हुआ, तो ये सारा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट कर सकते हो, और दूसरा एक होता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के सवाल बस फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, इसके सवाल करना हाफ लाइफ क्या होता है, मीन लाइफ क्या होता है, कितना डिके हुआ, ये पार्ट है, ये पार्ट बच्चे कर लेते हैं, सवाल भी आते हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि इस पे सवाल नहीं आते, सवाल आईआईटी ने पहले बहुत पूछ चुके हैं पहले भी, रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, केमिस्ट्री में भी पढ़ो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है ना, तो वही पैटर्न होता है, इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग, सीरीज पैरेलल ये सब भी इसमें डिस्कस करेंगे, बट हम ज्यादा फोकस एक्चुअली ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट पे करेंगे, और मैं कह रहा हूं कि 7-8 2012 से आईआईटी न्यूक्लियर फिजिक्स पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स पे सवाल थोड़ा डेप्थ में पूछ रहा है, ठीक है, तो अभी हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, 3-4 लेक्चर्स इसमें जाएंगे फुल,
न्यूक्लियस का साइज कितना होता है बच्चों? रफली 10^-15 फेमटोमीटर के रेंज में होता है, बहुत छोटा है। इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। दीज आर कॉल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं बताने वाला हूं, तुम लोगों को पता है आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, और बच्चों एक और टर्म आता है, बताओ उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स का मतलब जेड सेम, जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। आइसोटोन्स का मतलब दो एलिमेंट जिसका एन सेम है, और आइसोबार्स का मतलब प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट मीन्स जेड प्लस एन, दैट इज कॉल्ड ए विच इज कॉल्ड मास नंबर। यही बोलते हैं ना? सो ए सेम। मनस्वी, आइसोटोप्स का एक एग्जांपल बता सकती हो? नहीं वेस्ट करेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों मास पे। मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियस कितना होता है, इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, कुछ पता है? वन पॉइंट 6 × 10⁻²⁷ ग्राम। वन पॉइंट 6 × 10⁻²⁷ केजी। सही लिखा ना? What is the mass of the neutron? I think 1.67, roughly side 50 × 10⁻²⁷ kg. बच्चों ये याद रखना, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब ये ध्यान देना है कि किसका मास ज्यादा और कितना ज्यादा है, रफली क्या ऑर्डर है। शायद ऐसा होता है, इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ केजी। लेकिन तुम लोग लगा होगा सर ये लिख क्यों रहे हैं, और ये बड़ा कन्वीनियंट तो नहीं है इतना लिखना, कन्वीनियंट है क्या? इसलिए मैंने दिखाया कि ये मुझे भी याद नहीं रहता, मैं भी देख के बता रहा हूं, अच्छी बार में बगल में खुला है। तो जो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो मासेज है वो इसके टर्म में डिनोट नहीं करके एक दूसरा यूनिट होता है उसमें डिनोट करते, क्या नाम है उसका ऋतुजीत?
AMU, है ना, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास ऐसे बोलते हैं. सो हाउ वन AMU इज डिफाइंड, वन AMU कैसे डिफाइंड है. बच्चों इसका डेफिनेशन शुरुआत में पहले कुछ लिया गया था, बाद में कुछ और लिया, चेंज हुआ. अभी राइट नाउ इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ C12. अब देखना यहां से ही गड़बड़ चीजें होती है. मैं देखता हूं, देखो कितने बच्चों को पता है, मैं भी भूल जाता हूं. मुझे डाउट आ रहा है कि 1/12 ऑफ C12 क्या न्यूक्लियस या एटम, देखते हैं कितने बच्चों को पता है. 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ C12 क्या एटम या न्यूक्लियस. कंफर्म तनिष्क, सब बता रहा है, एटम ही बता रहा है, गुड. चलो अच्छी बात है, सबको पता था. किरण ने बताया, मनस्वी, हाँ सबने वन एटम ही कहा, C12 एटम, बहुत सही. तो देखना यहीं से कहानी, मतलब मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये चैप्टर. 1 AMU इज 1/12 ऑफ कार्बन 12 में क्या क्या है एटम में. इसमें है 6 प्रोटॉन प्लस 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, इतने का मास का 1/12. तो प्रोटॉन का मास जो है वो न्यूट्रॉन्स का जो मास है वो बड़ा है, फिर इलेक्ट्रॉन्स भी है. अगर मान लो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का मास इक्वल भी ले लिया तो 12/12, तो क्या होना चाहिए 1 AMU. व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट कि 1 AMU जो है 1 प्रोटॉन के मास से इक्वल होगा, ग्रेटर होगा या लेसर होता होगा. व्हाट यू एक्सपेक्ट, अभी क्या पढ़ा उसको छोड़ दो. तुझे क्या लगा क्या होना चाहिए, एक और बार रिपीट करो ना क्या पूछ रहे हो. 1 AMU का मास जो है 1 प्रोटॉन के मास से बड़ा होगा या छोटा होगा, क्या लगता है तुझे. मैं पूछ रहा हूँ क्या होता है, नहीं तुझे क्या लगता है ये पूछ रहा हूँ. बच्चों प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तो बड़ा है प्रोटॉन से, अगर इक्वल भी ले तो 6/12 प्रोटॉन का मास हो गया और 6 इलेक्ट्रॉन्स भी है उसका 1/12. तो हमें लगता है ना कि एक 1 AMU शुड बी ग्रेटर देन मास ऑफ द 1 प्रोटॉन. बट किसी को पता है ये कितना होता है. One AMU जो मास है वो लेस देन मास ऑफ 1 प्रोटॉन है. और यहीं से फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स से स्टार्ट होता है. यही समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. जिसको क्लिक कर गया उसको फिर मजा आएगा. और आई होप कि सबको ये समझ में आ गया होगा.
एक्सपेक्टेड ये था कि मास ऑफ प्रोटॉन से ग्रेटर होना चाहिए बट होता लेस है। हमने लिख दिया था 1U का मास, तुम भी नोट डाउन कर लो इतना। इनफैक्ट अगर पूछा जाए मास ऑफ द प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ यू, मास ऑफ द प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ यू, तो ये आता है 1.007276 U सर। मास ऑफ द न्यूट्रॉन यू में आता है 1.0086। ये हो सकता है थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना है कितना होता है। और मास ऑफ द हाइड्रोजन मुझे याद रहता है 1.007825 बिकॉज ये मेरा अकाउंट नंबर है 7825। अब बताओ C12 में अगर पूछा जाए इसका मास कितना है बच्चों, 12U, 112 को माना है। लेकिन सोचो कि 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस सबको मिला दिया तो 12U आ रहा है। जबकि ये सबको इंडिविजुअल ऐड करोगे सो दिस कम्स आउट एज ग्रेटर देन 12U। ये बहुत बड़ा है, दैट मींस अब मैं समझा रहा हूं, यहां से ही समझा रहा हूं कि अगर 6 प्रोटॉन अलग अलग है दूर है, 6 न्यूट्रॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अगर सेपरेट है तो इसका जितना मास है ये कंबाइन होके न्यूक्लियस बन गया C12, तो इसका मास कम है और इसका मास ज्यादा है। मतलब जब न्यूक्लियस दूर दूर है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इंट्रैक्शन नहीं है और जब वो पास आ गया तो बच्चों मास कंजर्व नहीं रहा, मास क्या हो गया, कम हो गया। तो मास गया कहाँ, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। मतलब जिस समय ये कार्बन का न्यूक्लियस बना होगा इसने कुछ एनर्जी रिलीज किया होगा, समझ में आ रहा है। तो कितना एनर्जी इसने रिलीज किया टोटल, ये जो इसका बेसिक एलिमेंट जो जो इसका जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से बना हुआ है सब अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड है और अगर वो पास आकर के न्यूक्लियस बन गया, एटम बन गया, तो उसका मास कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, मास डिफेक्ट, कम हो गया। ये मास का जो डिफेक्ट आया, जो लॉस आया है, दैट लॉस कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी दे दिया था। लेकिन अगर मुझे इसी कार्बन को मुझे न्यूक्लियस में ब्रेक करना है, दूर दूर ले जाना है, तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, हमें इसको एनर्जी देना पड़ेगा। और जो एनर्जी हमने दिया इसको वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका मास अब बढ़ जाएगा, हमने इसको एनर्जी सप्लाई करके इसमें ब्रेक करना होगा। क्लियर है? तो जो एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा इसको टू ब्रेक दिस इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस, उसी उस एनर्जी को ही कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या दूसरे तरीके से कहें कि न्यूक्लियस जब फायर पार्ट है और वो जब न्यूक्लियस बना है तो कितना एनर्जी रिलीज किया, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी और लिखाऊंगा, अभी तो जस्ट हिंट दे रहा हूं, अभी तो समझा रहा हूं। मतलब अभी अभी हमने डिस्कस किया कि मास और एनर्जी में कुछ इक्विवेलेंस है, कुछ रिलेटेड है। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, तो क्या रिलेशन है, और वो बहुत ही फेमस रिलेशन
जो कुछ भी नहीं आता था तब भी तुम्हें आता था वो चीज, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये सबको पता है। ये बताता है कि अगर कुछ मास है, सपोज 1 ग्राम मास है, उसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। तो यहां पे 1 ग्राम मास लिख लो, C का वैल्यू लिख लो। जैसे मैं कहूं 1 ग्राम -3 kg, 1 ग्राम मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करोगे बच्चों कितना एनर्जी निकलेगा, जस्ट इमेजिन कि कितना लार्ज एनर्जी निकलेगा, 9 × 10⁻⁶ में से 3 गया 13 जूल है ना। ये 10⁻³ बहुत बड़ा एनर्जी है, छोटा मोटा एनर्जी नहीं है, ये बहुत बड़ा एनर्जी है। 1 ग्राम मास इतना एनर्जी दे सकता है अगर हम कन्वर्ट कर लिए तो। न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सब जो चीजें है इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि चलो एक काम करते हैं, 1U को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया तो हाउ मच एनर्जी जनरेट होगा 1U मास को, तो यू इज इक्वल टू लिखोगे 1U × C² और ये जब वैल्यू रखोगे ना तो ये कुछ आता है 9, पता है कितना आता है ये, 931.5 MeV। जूल में मैंने नहीं किया, जूल में करोगे तो जूल में आएगा, बट हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में रख दिया बिकॉज एनर्जी मॉडर्न फिजिक्स में मोस्टली जूल के जगह पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम 1U मास को कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में तो इतना आया, 1U × C² को लिखेंगे तो इतना आएगा। तो अब सारे बच्चे ध्यान सुनना, 1U कैन ऑल्सो बी रिटन एज 931.5 MeV/C², ये सी स्क्वायर को नीचे चला गया। ये बच्चों ये मास है 1U मास, 1U मास को देखो एक यूनिट में लिखा है, क्या लिखा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। सो दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट मास। बच्चे ना 1U का मतलब सिंपली लिख रहे थे 931.5 MeV लिख रहे थे, नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो अगर हम इसी टर्म में मास ऑफ द प्रोटॉन्स को लिखें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में तो कितना लिखेंगे, सो इट कम्स आउट एज 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, 938.28। ऐसे ही अगर मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स को लिखना है, बच्चों नोट इट डाउन, लिखना है इसको 939.57 MeV/C². जस्ट हैबिट बनाओ यू के टर्म में लिखने के लिए, इसके टर्म में लिखने के लिए। अच्छा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हमने नहीं लिखा था, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है यू के टर्म में, मुझे भी ध्यान है, यू के टर्म में नहीं ध्यान है, बट ये बड़ा फेमस है 0.51 MeV/C², ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
बच्चों ये तो एकदम याद ही रखो और ये भी याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स का भी कभी कभी जरूरत पड़ता है। सो इन समटाइम्स हमने कहा बाइंडिंग एनर्जी कैसे डिफाइन किया बच्चों, कि कितना मास डिफेक्ट हुआ है, कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि मास डिफेक्ट डेल्टा एम है, तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अगर सपोज एक सवाल में किसी में मास डिफेक्ट सपोज 0.02 U का हुआ है, इतना मास डिफेक्ट हुआ किसी में, तो कितना एनर्जी जनरेट किया होता, कितना एनर्जी रिलीज होगा अगर मास डिफेक्ट इतना हुआ है, तो ऐसा एनर्जी रिलीज जो हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.02 U। तो 1U को कैसे लिखेंगे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ये 1U लिखा, और एक और सी स्क्वायर बच्चे इतना ध्यान नहीं देते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो यहां पे जो भी अब करना होगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं बता रहा हूं बच्चे सिंपली ना यहाँ पे सी स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं, आता है वैल्यू सही, बट कभी गलती हो सकता है। बाइंडिंग एनर्जी पे आएंगे हम लोग, पहले तो डेल्टा एम लिख लेते हैं, मास डिफेक्ट लिखो, बच्चों एक एलिमेंट है जिसमें जेड प्रोटॉन्स है एन न्यूट्रॉन्स है, और इस न्यूक्लियस का मास है कैपिटल एम, तो हाउ मास डिफेक्ट इज डिफाइंड, कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जेड इंटू एमपी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास प्लस एन इंटू एम एन, इतना एक्सपेक्टेड मास था बट एक्चुअल मास एम है अभी न्यूक्लियस का, तो एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल दिस इज मास डिफेक्ट। बताओ ये बात समझ में आई, और बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बच्चों समझना, अगर जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, जिसने ज्यादा एनर्जी रिलीज किया होगा, दैट विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि कोई भी सिस्टम अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहता है, जितना एनर्जी कम है वो उतना स्टेबल होगा, ये फैक्ट तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेसर द एनर्जी मोर इट विल बी स्टेबल, है ना, ग्राफ में भी ऐसे जो लोअर आता है वो स्टेबिलिटी बुलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बुलाता है। तो कैन वी से दैट कि जिसने ज्यादा एनर्जी रिलीज किया, जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, दैट विल बी मोर स्टेबल, इज इट क्लियर? लेकिन क्या बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा डेप्थ ना ये देगा और ज्यादा मतलब आइडिया देगा, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स विल गिव मोर आइडिया अबाउट स्टेबिलिटी?
किसी भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी कितना है, दैट विल गिव मोर आइडिया अबाउट स्टेबिलिटी, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस विल गिव आइडिया अबाउट मोर स्टेबिलिटी। जस्ट इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कि मान लो टू फैमिली है, एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है। सपोज ए फैमिली में टू मेंबर्स हैं और बी फैमिली में फाइव मेंबर्स हैं। है ना? इसका हर किसी का सपोज इनकम जो है 2 लाख पर एनम है, तो इसका टोटल इनकम हो गया, सॉरी पर एनम है, पर मंथ, वो छोटा जाना, 2 लाख पर मंथ है, तो इसका फैमिली का इनकम हो गया बच्चों 4 लाख पर मंथ। और इसका सपोज 1 लाख पर मंथ ही है पर मेंबर, इसका हो जाएगा 5 लाख इस फैमिली का। तो अगर देखा जाए तो इस फैमिली का इनकम है 5 लाख पर मंथ, इसका इस फैमिली का इनकम है 4 लाख पर मंथ। अगर तुमसे पूछा जाए कि विच फैमिली इज मोर प्रॉस्पेरस, किसका घर ज्यादा धनी है, कौन ज्यादा सुखी ये है, किसके बारे में कहोगे? इसका 5 लाख है, इस फैमिली का 4 लाख इनकम है। मनस्वी, ए या बी? ए। ए। तो एक्चुअली हम टोटल इनकम नहीं देख करके क्या देखना चाहेंगे, पर पर्सन कितना इनकम है वो ज्यादा आइडिया देगा। तो वैसे ही कौन सा न्यूक्लियस मोर स्टेबल है, ये बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा इंफॉर्मेशन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस देगा, ये करेक्ट आइडिया देगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जनरली अगर टोटल जीडीपी देखा जाए इंडिया का, है ना, तो यूरोप के मैक्सिमम कंट्री से हो सकता है ज्यादा है, बहुत सारे, नॉर्वे और वैसे तो बहुत ज्यादा होगा, स्विट्जरलैंड ये सबसे। तो क्या इंडिया ज्यादा अमीर है उस कंट्री से? इंडिया के लोग ज्यादा खुश हैं, ज्यादा फैसिलिटीज है, जीडीपी तो बहुत ज्यादा है। नहीं, इंडिया को गरीब कंट्री क्यों मानते हैं? जीडीपी बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, बट जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा जो है वो इंडिया का बहुत कम है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, यूरोप और अदर कंट्री, यूरोप में जितने कंट्रीज हैं। सो हम लोग क्या कहेंगे, जीडीपी ओवरऑल देख करके प्रॉस्पेरिटी नहीं बताया जाएगा, जीडीपी पर कैपिटा। आई होप कि ये क्लियर हो गया, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया इस पे। बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस विल गिव बेटर आइडिया अबाउट द स्टेबिलिटी, और इसका एक ग्राफ होगा अच्छी प्रमाण, तुम देखोगे ग्राफ हाइड्रोजन के लिए कुछ है, हाइड्रोजन का तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ होगा नहीं, बिकॉज हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। बाइंडिंग एनर्जी तब होगा जब मोर देन वन न्यूक्लियस हो, है ना, पास आएगा। तो ये सिंपल सा फैक्ट है कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस, जितना ज्यादा मास नंबर्स रहेंगे, जितने ज्यादा न्यूक्लियस पास आएंगे, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, बट पर न्यूक्लियस का जो हमें आइडिया देखना है उसका ग्राफ अलग होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, पर न्यूक्लियस का कैसा है, कैसे स्टेबिलिटी और कैसे वहां पे थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, एंड सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस किसका है, किसका है ऋतुजीत, मोस्ट स्टेबल कौन सा एलिमेंट है? आयरन। आयरन, आयरन या निकल मोस्ट स्टेबल है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि अभी हमने थियोरिटिकल पार्ट लिया नहीं कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द न्यूक्लियर फोर्स, ऑल दोस थिंग्स, एटम्स क्यों स्टेबल है, न्यूक्लियर फोर्स की क्या प्रॉपर्टीज है, है ना, रेडियस कैसा होता है, डेंसिटी न्यूक्लियस का कॉन्स्टेंट होता है, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड देन अल्फा डीके, बीटा डीके, ये सब तो जाएंगे।
चलो बच्चों, तो आज का क्लास यहीं फिनिश कर।